गुणन खंडन करके द्विघात समीकरण को हल करना। अब हम पाठ के शुरू में विभिन्न परिस्थितियों से बने समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करके उनके चर के मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 1, x की घात 2 ऋण 20 की घात 2 बराबर 0 को हल करने के लिए इसकी तुलना सर्वसमिका a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर कोष्टक में a ऋण b, कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में a धन b, कोष्टक बंद से करने पर x की घात 2 ऋण 20 की घात 2 बराबर हम लिखेंगे x ऋण 20 और x धन 20। चूंकि सर्वसमिका a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a ऋण b और a धन b होता है, इसी इसका प्रयोग कर हम a के स्थान पर हमने x लिया है और b के स्थान पर 20 लिया है, इसीलिए x ऋण 20 और x धन 20 बराबर 0 या x ऋण 20 बराबर 0 या x धन 20 बराबर 0 या x ऋण 20 बराबर 0 कोष्टक में या x धन 20 कोष्टक में बराबर 0 या x ऋण 20 बराबर 0 या x धन 20 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे हम ऋण 20 को तो x बराबर 20 या x बराबर धन 20 का पक्षांतर करेंगे ऋण 20। चूंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x का मान ऋण 20 नहीं हो सकता। इस संदर्भ में x को आयताकार बगीचे की चौड़ाई माना गया था, अतः आयताकार बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 2x बराबर 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर होगी। समीकरण 2, x की घात 2 धन 30x ऋण 1000 बराबर 0 में हमें समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब व आधार भुजा की लंबाई की माप ज्ञात करनी है। चूंकि समीकरण 2 का बायां भाग एक द्विघाती बहुपद है, इसका गुणन खंडन करेंगे। हमारे पास हम x की घात 2 और धन 30x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 50x ऋण 20x ऋण 1000 बराबर 0। अब कहीं 50x ऋण 20x को घटाएंगे तो हमें 30x प्राप्त होता है, और 50 को कहीं धन 50 को ऋण 20 से गुणा करेंगे तो हमें ऋण 1000 प्राप्त होगा। इसी तरह इसलिए हमने धन 30x को तोड़कर लिखा है धन 50x ऋण 20x। अब हम पहले दो पदों से उभयनिष्ठ निकालेंगे x, तो यहाँ कोष्टक में x धन 50 और उसी तरह से यहाँ से ऋण 20 को कहीं हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x धन 50 बराबर 0। अब दोनों पदों से कहीं हम x धन 50 को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो दूसरे कोष्टक में x ऋण 20 कोष्टक बंद बराबर 0 या कोष्टक में x धन 50 कोष्टक बंद बराबर 0 या कोष्टक में x ऋण 20 कोष्टक बंद बराबर 0 या x धन 50 बराबर 0 या x ऋण 20 बराबर 0। 50 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 50 या x बराबर
ऋण 20 का पक्षांतर करेंगे तो 20 धन 20 हो जाएगा, जिसमें हम सिर्फ 20 लिखेंगे। तो हमने x का मान प्राप्त किया ऋण 50 या x बराबर 20। अतः समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब की लंबाई 20 मीटर अतः लंबाई जो होंगी, अतः समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब की लंबाई जो होंगी वह 20 मीटर है। और उसी तरह से आधार भुजा की लंबाई 30 है, तो x के स्थान पर हम जब 20 रखेंगे तो 20 धन 30 बराबर 50 मीटर होनी चाहिए। इसी तरह से समीकरण 3 का गुणन खंडन करके संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। नीचे दिए गए उदाहरणों में हम द्विघात समीकरणों का गुणन खंडन कर हल प्राप्त करेंगे।